हेलो दोस्तों, राकेश यूपी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम यूपी अयोध्या नगरी आए हुए हैं, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में बसे हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। अयोध्या सरजू नदी की गोद में स्थित यहाँ पर वैसे तो अनेक मंदिर हैं, उसी मंदिर में एक कनक भवन है जो कि खूबसूरत दिखाई देता है। देखिए, सोने आकार स्वर्ण आकार का स्वर्ण मंदिर। अब सीढ़ियों के माध्यम से हम अंदर चल रहे हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी संरचना जो एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक महल ही था जिसे महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान श्री राम जी के मन में यह विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए यह अयोध्या में एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक सुंदर महल दिखाई दिया, जिसके बाद रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने स्वप्न की बात तथा एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। जब माता सीता जी अयोध्या आई, तब रानी कैकेयी ने उन्हें यह महल मुंह दिखाई में दे दिया था। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। उस समय इस महल की हालत एकदम जर्जर हो चुकी थी। श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य शक्ति से श्री सीता राम की मूर्तियों को प्रकट कर उसी स्थान पर स्थापित किया। देखिए कितना सुंदर कनक भवन। यहाँ पर आगे हम चलकर पूरे कनक भवन का व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ पर जस्ट सामने लोग पद चिन्ह एक है, यहाँ भी लोग आकर अपना माथा टेक रहे हैं। ये देखिए, यहाँ कनक भवन अपनी खूबसूरती तथा भगवान रामनगरी अयोध्या के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर कनक भवन के विषय में जानकारी देने का मेरा तरीका पसंद हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों को नमस्कार एवं धन्यवाद।